अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद गौशाला में पहुंचे हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने भानी राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा में गौ तस्करी व गौ वध बंद हो इसके लिए बने कानून गौ समर्थन गौ संरक्षण अधिनियम 2015 सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने एक अलग से हरियाणा काउ प्रोटेक्शन ट्रांस फोर्स बनाई है जिसका इंचार्ज भारती अरोड़ा को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर हरियाणा के सभी जिलों में बनी गौशालाओं का निरीक्षण कर हर प्रकार की जानकारी ली जा रही है और बने कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। लाचिका से जाट टीवी न्यूज के लिए बबल कुमार गगट की रिपोर्ट। हमारा घूम रहा है सारा हरियाणा में, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए अभी हमने निर्णय लिया है, सरकार ने आयोग में मिलकर के हर गाँव में हम एक गोग्रह कम फाटक बनाने जा रहे हैं, जिसके 6,500 गाँव में अगर ये हमारे बन जाएंगे तो जो गोवंश शहर की तरफ आता है वो गांव में ही रुकेगा और सरपंच के नेतृत्व में 11 आदमी कमेटी बनेगी और उसमें किसान भी वहाँ शामिल होंगे, तो वो जो वहाँ का गोवंश है वहीं रहेगा और उसके लिए सरकार भी सहयोग करेगी, पंचायत भी सहयोग करेगी, गांव के लोग भी सहयोग करेंगे। एक तो हमने ये योजना बनाई है, दूसरी हमने योजना बनाई है कि हम जेलों में गौशालाएँ खोलने जा रहे हैं। जेलों में हमारा अपराधी जो है, हमारा भाई है, हमारा अपना ही आदमी है, उसको हम अपराधी से रोकने के लिए और गोसेवा में जोड़ने के लिए वहाँ गोसेवा करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, वहाँ जो बायोगैस प्लांट लगाएंगे उससे जो सैलरी निकलेगी वो खाद बनेगी, उससे जो गैस निकलेगी उससे गैस यूज़ करेंगे और जो भी वहाँ हम पंच रुपये से जो चीज़ बना सकते हैं वो गौशालाओं में बनवाएंगे ताकि वो सब लोग जुड़ें और गोसेवा से करके अपराधीकरण से वो सही रास्ते पर गोसेवा से आ जाएँ, ऐसा हमने निर्णय लिया है। दूसरा हमने निर्णय लिया कि हम दो अभी जिले में, एक पानीपत में और एक हिसार में, हम गोबरने बनाने जा रहे हैं।